फैक्टराइज, ये क्लास टेस्ट में इस तरीके के सम आ सकते हैं, ए 5p² + 25p³ और फिर q है। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें से 5p² कॉमन निकल सकता है, तो जो कॉमन निकल सकता है वो मल्टीपल हो जाएगा 5p², तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पर 5p² पूरा निकल गया तो 1 बचा, 1 + 5pq। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये आंसर है बस। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + by + ay + by, इसमें से पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल सकता है, इसको यूं ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में से ले लेते हैं, और इसमें से x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, a + b, इधर प्लस का साइन नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से y कॉमन निकल जाएगा a + b। अब ये पूरा है यहां से और यहां तक, इन दोनों में से a + b कॉमन निकल जाएगा, तो अब क्या बचेगा, अंदर a + b को मैंने उठा करके बाहर रख दिया, तो अंदर क्या बचा, x + y बचा, ये इसका आंसर है। ध्यान रख लेना, मैंने पिछले वाले सम में फिर बता रहा हूँ कि जैसे ही 5p² बाहर निकलेगा तो इसकी जगह 1 बचेगा, इंटू 1 मान लो तो ये 1 बचेगा, कई बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, अंदर फिर 5pq कर देते हैं, अगर तुम वापस मल्टीप्लाई करोगे 5p² 1 जा, 5p² 5 जा 25, p³ और q, इसलिए ध्यान रखो इसको, यानी वापस इसको मल्टीप्लाई करने पर वापस ये आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो गलत है, 1 को बिल्कुल गायब नहीं करना है, 1 रहेगा। 36z² - 100, इसमें 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6z, इसका होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कैसा लगेगा इसमें, a² - b² = क्या रहेगा, a + b और a - b, ये तो यहाँ पर वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, जो चीज ये अप्लाई हो रही है, क्या अप्लाई हो जाएगा, 6z + 10 और 6z - 10, ये आंसर है, ये आ गया, फैक्टराइज कर दी, y² + 18y + 81, यानी कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 18, और मल्टीप्लाई करने पर 81 आना चाहिए, 9y, तो 9y+, यहाँ पर प्लस का साइन है तो बीच में जो साइन आएगा वो यही साइन दो बार रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये दो बार प्लस का साइन आएगा, तो देखो मैं 9y और 9y, तो 9 9 जा 81 हो गया, और 9y + 9y 18y हो गया, अगर नहीं अगर था कि 9 कैसे आया, तो 81 के फैक्टर करके देख लो, ये इस तरीके से 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इसमें से 3 और 3 9 और 9, फैक्टर करके देख लिया, यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो दोनों साइन यही वाले आएंगे ये, और यहाँ पर बाकी को एज इट इज लिख दो, +81। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, अगर यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते अंदर का साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, प्लस है तो अंदर कुछ भी चेंज, इसमें से y कॉमन निकल जाएगा, तो y + 9, इधर इसमें से प्लस का साइन एज इट इज, 9 कॉमन निकल गया तो y + 9, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो y + 9 और y+9 = y+9 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया एक तरीका, कर सकते हैं कैसे, y का स्क्वायर है, इधर 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इधर +2 लिखा और इधर y लिखा और 9 लिखा, कैसा फॉर्मूला बन गया, a² + 2ab + b², तो डायरेक्ट यहाँ पर y + 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तरीका यहाँ पर ज्यादा सूटेबल है, तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट सम है p² - 8pq + 16q², यहाँ पर मैं इसके ब्रैकेट लगा लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, कैसे होगा ये, p² और यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा, 4q² 4q का होल स्क्वायर माइनस, या 2 रखा फिर p रखा और यहाँ पर 4q हो गया, अब देखो 2 4 जा 8pq एज इट इज आ रहा है, 4 4 जा 16 आ रहा है, -25 को मैं 5r का होल स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा p - 4q का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² ये वो का वही फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर p - 4q इसका होल स्क्वायर -5r का इधर होल स्क्वायर, a ये पूरा a और ये b, तो a + b और a - b, तो a की जगह p - 4q बड़ा ब्रैकेट +5r, फिर इधर p - 4q - 5r और ये इसको ब्रैकेट खोल लो p - 4q + 5r
इधर p माइनस फोर क्यू माइनस फाइव आर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड के अंदर ये वो फैक्टर तो वो इसका करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर दोनों ये साइन रिपीट हो जाएंगे जब यहाँ प्लस का साइन होता है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता है तो ये रिपीट नहीं होता, एक प्लस का रहता है एक माइनस का रहता, लेकिन यहाँ प्लस का इसलिए। तो मेरे को चाहिए 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर क्या रहेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 और 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 7x को मैंने देख लिया कि यहाँ पर ये फैक्टर के अंदर 4 3 जा 12 हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12 और यहाँ पर x स्क्वायर कर दूंगा और फिर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 एज इट इज लिखता जाऊंगा। और यहाँ पर इसमें फिर मैं अंदर की तरफ ब्रैकेट लगा दूंगा, माइनस बाहर रहेगा, ये जो माइनस है इस साइन को अंदर नहीं लेना है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल गया तो x माइनस 4 माइनस इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 4, जैसे ही यहाँ पर माइनस बाहर रहेगा यहाँ साइन तुरंत चेंज कर देना, यहाँ माइनस रहेगा तो x माइनस 4, ये वाला प्लस का लगा दिया गलत हो जाएगा, मैंने भी लगा दिया था लेकिन वो गलत है, यहाँ माइनस का साइन रहेगा जैसे ब्रैकेट में, तो ये फिर ये यहाँ पर डिवाइड बाय x माइनस 4। अब इसके अंदर से x माइनस 4 बाहर निकाल दिया और x माइनस 3 और इसको डिवाइड मतलब अपॉन x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 से ये x माइनस 4 कट गया, तो आंसर का आपके क्या बच गया, x माइनस 3। ये समझ लेना का है। अब इसी तरीके से हमें इसमें से देखो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, डिवाइड करना, लेकिन पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ये तो फैक्टराइज है, इसमें से सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, जो भी है ऊपर नीचे जो भी है डिवीजन के अंदर यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 8, तो 58 मैंने ऐसे लिखूंगा मैं, 8 इंटू 15 एक्स वाई अंदर 8 4 जा 32, तो वाई स्क्वायर 8 9 जा 72, तो माइनस 9 डिवाइडेड बाय इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू 5y 4y नहीं 2y प्लस 3 ये हो गया। अब इसके 4y स्क्वायर माइनस 9 इसका क्या लिख दूंगा मैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आपके बाहर इधर 8 इंटू 15 एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5y 2y प्लस 3 ये एज इट इज। अब इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3, तो 8 इंटू 15 एक्स वाई 2y प्लस 3 और 2y माइनस 3, ये डिवीजन है तो इसको अपॉन में लिख दो, क्या 2 इंटू 5y 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 को ये काट दिया, y से y काट दिया, 5 3 जा और ये 2 4 जा, ये हो गया। अब इसको करके मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और यहाँ पर x नहीं कटा, x और 2y माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर आ गया है।